रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। अरे क्या माल है, क्या झटकती मटकती जवानी के चाबुक चलाती हुई चली आ रही है। रामपुर चलोगे? हाँ चलेंगे, बैठ जाओ। चल राजा, क्या झटकेदार सवारी है। सुनो ए राजा, एक झटका खाएगा। सब जरा आहिस्ता, ये गांव की कच्ची सड़क है, रेस का मैदान नहीं। ये लो। ये कागज की दौलत अपने पास ही रखिए मेम साहब, मैंने आपकी मदद की है, कोई मजदूरी नहीं। मजदूरी के बदले पैसा और मदद के बदले शुक्रिया। अगर देना ही है तो प्यार से शुक्रिया अदा कर दीजिए। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के आगे हम सब जागीरदारों की क्या अहमियत है। बिल्कुल, ठाकुर साहब ने जो फैसला किया है हम सब उसे मानेंगे। हाँ। और गांव वाले भी। बाबूजी, ओ बाबूजी, 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 ओ बाबूजी, बाबूजी, वहाँ शहर में आप लोगों की इतनी याद आती थी, इतनी याद आती थी कि क्या बताऊँ। देखो ना, अभी कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू होने में पूरे दो दिन बाकी है और मैं चली आई। भीतर जाओ। क्या हुआ बाबूजी? मैंने कहा ना भीतर जाओ। जा तो रही हूँ। तो फिर ये तय हुआ कि बकाया लगान पर ब्याज बढ़ा दिया जाए। जी हाँ। सरस्वती, ए सरस्वती, कहाँ चली गई? किरण माँ। अरे वाह, मेरे हाथ छूकर ही मुझे पहचान लिया। पर बेटी तू अचानक बस आ गई, अब तुम कहोगी ना चिट्ठी ना तार, अपने आने की कोई खबर तो दी होती। अब देखो ना, मेरे अचानक आने से जो खुशी तुम्हें मिली है वो बता के आने में थोड़ी मिलती। किरण बेटे, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमने तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेजा, लेकिन याद रहे ये शहर नहीं गांव है। यहाँ तुम्हें ठाकुर घराने की मान मर्यादा और उसूलों के दायरे में रहना होगा। देखो ना माँ, बाबूजी तो मुझे यूँ समझा रहे हैं जैसे कि मैं दूध पीती बच्ची हूँ। बेटे जा, तू जाके हाथ मुंह धो ले, थक गई होगी। अच्छा माँ।
ये बात इसे अच्छी तरह समझा देना। जी। भैया दे दे लंबरदारी तेरी चिलंबरे पटवारी। अरे राम अरे कहाँ है तू? बाबा मैं तो यही हूँ आपके सामने। हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि तू यही है मेरे सामने, लेकिन पूरा नहीं आधा। आधा? बिल्कुल आधा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तेरा तन तो यहाँ है लेकिन मन किसी के ख्यालों में भटक रहा है। क्यों? नहीं नहीं बाबा ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो जरूर है बेटा। अरे बता दे जल्दी से, शर्मा मत। अगर तेरी माँ आ गई ना और हमें काम छोड़कर बातें करते हुए देख लिया तो बरस पड़ेगी। बाबा एक बात तो बताओ, तुम माँ से इतना डरते क्यों? अरे बेटा दुनिया का हर शरीफ पति अपनी पत्नी से डरता है। तेरी शादी हो जाने दे फिर पूछूंगा तेरे से। चल। मैं बोलूं जी? बोलो जी। अजी खाना परोस दिया है, चलो चल के खा लो। चलो उठो ना। लो जी नाम लिया और हाजिर हो गई। चल बेटा चल, रोटी ठंडी हो गई ना तो तेरी माँ गर्म हो जाएगी। क्या बात है, अपने लाडले बेटे से बड़े लाड से बातें कर रहे थे? ओए एक ही तो बेटा है मेरा, लाड तो करूँगा ही। अरे तो जाके मुँह हाथ तो धो ले जा ना। अच्छा माँ एक राज की बात बताऊँ? क्या? बेटा जवान हो गया। एक राज की बात मैं भी बोलूँ जी? ओए बोलो जी। तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ? एक राज की बात मैं बताऊं? क्या? चलो जाने दो। कुछ समझी? समझ गई। बजरंग बली मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज एक चीज मांग रहा हूं। इस बाल कर्मचारी को हमेशा कुंवारा रखना। अगर हो सके तो मेरी होने वाली संतान को भी मेरी तरह बाल कर्मचारी कुंवारा रखना। और एक बात और, भगवान मुझे उस धंधों से बचा ले, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। भगवान वो बड़ी चतुर नार है, वो अपनी जवानी का मुखर चलाकर मुझे शादी के जाल में फंसाना चाहती है। भगवान और मैं शादी नहीं करना चाहता। बजरंगबली मुझे बचाए रखना, मुझे बचा ले। बजरंगबली तुम्हारे सामने आ। बजरंगबली तुम मेरे को अपने दर्शन दे, मैं फिर तेरे को प्रसाद चढ़ाऊंगा। बजरंगबली तुम मुझको मिल जा। बजरंगी बजरंगी मुझको मिल जा, बजरंगी मुझको मिल जा। ऐसे क्यों पड़ा के अपने आप को छुड़ा लिया? मैं तो तुझे प्यार से गले लगा रही थी बजरंग। प्यार से गले लगा रही है या चील की तरह झपट्टा मार रही है? चला यहाँ से। देख रहे हो बजरंग बली आपके इस भक्त की इज्जत पर ये बालिका कैसे क्रूरता से आक्रमण कर रही है। मुझे बचा लो, इस आफत से बचा लो बजरंग बली। कहाँ बच के जाएगा रे? जानता है कल रात बजरंग बली मेरे सपने में आए और बोले सवेरे जाकर बजरंगी को प्यार से गले लगा लेना, वो तुझे अपना लेगा। एक बार गले लगा ले फिर चली जाऊंगी। कैसा दोस्त है तेरा, कह देना इसे जब तक ये शादी के लिए राजी नहीं हो जाता मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बजरंग बली। अबे एक खूबसूरत और जवान लड़की तेरे आगे अपनी अदाएं लुटा रही है और तू लंगोट कसने में लगा हुआ है। अरे भाई जवानी होती है प्यार मोहब्बत करने के लिए। वैसे ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं। क्या बजरंग बली? हाय काश जिसका मैं दीवाना हूँ वो भी मेरे पीछे इस तरह पड़ी होती। क्या बजरंग बली? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो लड़की नहीं अप्सरा है। अप्सरा अपने नैनों के बाण चलाकर मेरे दिल को घायल कर गई। बजरंगी इस जंगल में किसे ढूंढ रही है? बीबी जी इतना सुनसान जंगल है, मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो रही है। तो तू चली जा, मैं खुद आ जाऊंगी। ओए होए मैं खुद आ जाऊंगी। आपको छोड़ के चली गई तो ठाकुर साहब मुझे भरी जवानी में मार देंगे। अपनी बकबक नहीं बंद करेगी? हाय दया साथ भी चलूं और खामोश भी रहूं?
तुम नहीं, सूरज नाम है मेरा मेम साहब। एक बात बताएंगे आप, जानवरों से कोई दुश्मनी है आपको? कल आप उस बेचारे घोड़े पर चाबुक चला रही थी और आज इस मासूम खरगोश पर गोली। शुक्र करो कि तुम पर कोई वार नहीं किया मैंने। अरे रे 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 रे, कितना झूठ बोल रही हैं आप। जब भी मिली हैं, वार पे वार ही तो किए हैं आपने। अब अगर और भी कुछ बाकी रह गया हो तो बंदा हाजिर है। यू इडियट। कमाल है, हमने प्यार की बात बढ़ाई और आप हाथापाई पर उतर आए। छोड़ दो मेरा हाथ। कोई और हुक्म दीजिए मेम साहब, हम गांव वाले एक बार हाथ पकड़ लें तो। जल्दी छोड़ते नहीं सच्ची बीबी जी। छोड़ दो मेरा हाथ, चल धन्नो। हाय दैया, बात यहाँ तक पहुँच गई है या नहीं? बीबी जी, मैंने कहा था ना ये जंगल बड़ा खतरनाक है, पर आप है कि मेरी बात मानती नहीं। न जाने अपने आप को क्या समझता है। दया दया, आपका हाथ पकड़ लिया। मैं तो कहती हूँ बीबी जी, ऐसे आदमी को तो। किरण कहाँ गई थी बेटी? शिकार पर। तेरे बाबूजी को पता चल गया तो? बेटी गांव तेरे लिए नया है, कहीं भटक जाएगी। मेरे लिए तो वो शहर नया था, ये गांव तो मेरा अपना है। अरे ये क्या हुआ तेरे हाथ को? कुछ नहीं माँ, देखो ना, शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से टकरा गई। चूड़ियां टूट गई माँ जी, मामूली घाव है, जल्दी भर जाएगा। मैं भी लेप लगा देती हूँ। चलिए ना बीबी जी, चलिए ना, चलिए। पता नहीं कब समझेगी ये। बड़ी खुशकिस्मत है आप बीबी जी, गांव आते ही किसी नौजवान ने आपका हाथ पकड़ लिया और चूड़ियां टूट गई। हाय, और एक वो है मेरा बजरंगी, न जाने कब मेरा हाथ पकड़ेगा, न जाने कब मेरी चूड़ियां टूटेगी। एक बात पूछो बीबी जी, उस बेचारे को तो पत्थर बना डाला और उसने जो शरारत की उसे भी छुपा डाला, बोलो भला क्यों? ऐसी छोटी मोटी बातें बड़ों को नहीं बताते, समझी? ओए होए, ये गांव के लड़के बड़े खतरनाक होते हैं बीबी जी, इनसे बच के रहना। लाओ काला लेप लगा दूं, कहीं ऐसा ना हो हाथ का जख्म दिल का जख्म बन जाए। मैंने जो कहना था कह दिया, पसंद हो तो मानो, नहीं तो जाने दो। धनु, ओए होए, अजंग वाली मेरी नावत चली, तेरी भक्ति से सबको शक्ति मिले, हर शहर हो या कोई गली, तेरी भक्ति से सबको छाया मिले। बजरंग वाली मेरी नावत चली, बजरंग वाली। अबे ओ बजरंगी, अरे तू फिर मेरी भक्ति को भंग करने। अरे भक्ति भंग करने नहीं, आज तो मैं तुझे एक राज की बात बताने आया हूँ। राज की बात बता। बजरंगी, आज जंगल में मैंने वो लड़की देखी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे लड़की क्या थी, बिजली का खंभा थी, ऐसा झटका मारा कि सारा शरीर थरथराने लगा। क्या बजरंग बली? फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरना शुरू किया। बजरंगी मैंने भी उसको देखा। बजरंगी बजरंगी वो आंखें नहीं थी। फिर क्या थी? आंखें नहीं थी वो मत भरे शराब के प्याले थे। फिर शर्म के मारे उसके होंठ कपकपाने लगे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में सिर्फ सुनाई दे रही थी हमारे सीनों में धड़कते दिलों की धक 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 धक। बजरंगी नगाड़ों की आवाज से दिल धक धक कर रहा है ना बीबी जी? आज बहुत बड़ा त्योहार है। आज के दिन जो कुंवारी लड़की शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मैं तो आज शिव जी से अपना बजरंगी मांग ही लूंगी। क्यों, तू बजरंगी से प्रेम करती है? हाँ, नहीं तो क्यों मांगती? आपको किसी को मांगना है तो चलो ना मेरे साथ। मैं किसे मांगू? ये मैं क्या बताऊं बीबी जी, ये तो आप अपने दिल से पूछिए। हाँ।
तेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। क्या? तेरा वो बजरंगी है ना, हाँ? वो जिंदगी भर कुंवारा रहने की ठान बैठा है। जिंदगी भर कुंवारा? हाँ। मगर तू फिक्र नहीं कर, मेरे पास उसका एक तोड़ है। अच्छा? हाँ। वो तोड़ तू मुझे बता दे, मैं उसके सर पे जाके तोड़ूंगी। वो तोड़ तो सिर्फ मैं ही तोड़ सकता हूँ। अच्छा, तो तू ही तोड़ डाल। मगर एक शर्त है। क्या? अगर मैं बजरंगी से तेरी बात करूँ तो तू मेरा एक काम करेगी? तू जो बोलेगा मैं करूंगी। पक्की बात है? हाँ। तो ये ले चूड़ियां और ले जाकर अपनी मेम साहब को देना। अच्छा। और कहना कि आपके कोमल हाथों के लिए सूरज ने भेजी हैं, कि जब भी खनके तो समझना कि सूरज ने याद किया है। मेरा बजरंगी? बजरंगी? हाँ। अब वो समझ ले तेरा काम हो गया। तो तू समझ तेरा भी काम हो गया। ओए, ओए। ये लो बीबी जी, कांच की चूड़ियां किसी ने भेजी है। किसने? सूरज ने। और तू ले आई? मैं क्या करती, मैंने तो लाख मना किया मगर वो अड़ गया, कहने लगा छोटा सा तोहफा है, बड़े प्यार से भेजा है बीबी जी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सच्ची बीबी जी? हाँ। सूरज, सूरज, सूरज। अरे धन्नो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, जल्दी बताना। पहले तू बता, तूने बजरंगी से मेरी बात की? बजरंगी से? हाँ? हाँ, हाँ, की। अच्छा बता किरण ने क्या कहा? किरण? हाँ। पहले तो वो बिगड़ी। क्या? फिर कहने लगी मैं उसे मिलना चाहती हूँ। कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? सूरज, हाँ? तूने बजरंगी से मेरी बात की? अरे बाबा की। पहले बता कब मिलेगी मुझे, कहाँ मिलेगी? आज शाम। हाँ? सूरज ढलने के बाद। हाँ? बस्ती वाले खंडर में। अरे जियो धन्नो, तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे सूरज, हाँ? तूने बजरंगी से मेरी बात की? बजरंगी? कौन बजरंगी? अरे भूल गया, कल करूंगा। मैं पूछती हूँ आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? कल वहां जंगल में मेरा हाथ पकड़ लिया और आज हवेली में चूड़ियों का तोहफा भेज दिया, ये सब करने की हिम्मत तुमने कैसे की? क्यों भेजी थी चूड़ियां? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, सच कसम से। देखिए ना, आप खुद ही मेरी मोहब्बत का सबूत बनकर मुझसे मिलने यहां चली आई। मैंने आपसे अपने दिल की सच्ची बात कही है मेम साहब, और देखिए ना, ऊपर वाले ने भी मेरी सच्चाई की गवाही दी थी। कहते हैं कि सच बोलने से ना तो डरना चाहिए और ना ही देर करनी चाहिए। कहिए ना, क्या ये सच नहीं कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं? मैं तुमसे रुक जाइए, कितना तेज तूफान है, एक बाहर और एक इस दिल में। Yeah!
पूछो 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 कौन है वो, पूछो 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 कौन है वो, बोलो 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 कौन है वो, बोलो 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 कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। पूछो 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 कौन है वो, पूछो 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 कौन है वो, पूछो 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 कौन है वो, पूछो 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 कौन है वो, जानती हो मैंने किसी को दिल दे दिया है, पूछोगी नहीं कौन है वो, वो ठाकुर साहब कसम कुंडली के हेर फेर की, आपके कहने के मुताबिक आपकी पुत्री का रिश्ता सुमेर सिंह के साथ पक्का करके आ रहा हूँ। हमें यकीन था कि वो ये रिश्ता जरूर मंजूर करेंगे। आहा, भगवान ने क्या जोड़ी बनाई है,
इधर ठाकुर खानदान की इकलौती सपुत्री और उधर रजवाड़े खानदान का इकलौता सपुत्र। 40 जगीरों का अकेला वारिस है, ना कोई आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे। पर ये तो बताइए विवाह का मुहूर्त कब का निकाला है? जब आप चाहें ठाकुर साहब, कसम कुंडली के हेर फेर की, दोनों के ग्रहों का मिलाप ही नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा नाम भी है पंडित घुंगरू प्रसाद, मैंने ग्रहों को ऐसा घुमाया कि 7 जन्मों का मिलाप करवा दिया ठाकुर साहब। पंडित जी, आपको इस सेवा के लिए इनाम जरूर मिलेगा। इसकी तो मुझे पूरी उम्मीद है। ठाकुर साहब, एक बात बताना तो आपको भूल ही गया, लड़का कल सुबह आपको प्रणाम करने आ रहा है। जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ठाकुर सुमेर सिंह, यू आर ए स्टाइलिश मैन, लेकिन ससुरे वीरेंद्र प्रताप सिंह में बिल्कुल स्टाइल नहीं है। कोई हमारे वेलकम के लिए एक भी स्टाइलिश आदमी नहीं भेजा, पर कोई बात नहीं, आई विल वेलकम माई सेल्फ। वाह, क्या सुहाना मौसम है, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी कदा पे निसार है। और रात की ये चांदनी नहीं है, कोई बात नहीं, वेलकम टू द सिटी ऑफ माई वाइफ, वेलकम। Oh my God, road blocked. कोई है? कोई? कोई नहीं है. Okay, come on, Thakur, move your ass, Kapanji. Come on, come on, come on, yeah, yeah. Oh, beautiful weather. How about me? Oh my God. Hey, hey, yeah, you. तुमने किसी को मेरी मदद के लिए भेजा, कितना खूबसूरत हार है। अरे, इस साले की शक्ल तो अपने बजरंगे से मिलती है। मगर एक बात पक्की है, अब वो अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगा। आइए सुमेर सिंह जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो बात हुई ठाकुर साहब, लेकिन थोड़ी स्टाइलिश तकलीफ थी, इसलिए हम नाराज नहीं हुए। एंड यू नो आई एम अ स्टाइलिश मैन। वैसे मैंने सोचा था कि आप मेरे स्वागत के लिए गांव की सड़क पर बैंड बाजे वाले भेजेंगे, ढोल तबले वाले भेजेंगे, लेकिन आपने इस गांव के भूत भेज दिए। भूत? जी हाँ, भूत, वो भी दिन में। लेकिन उन भूतों को क्या मालूम कि हम उनसे बड़े भूत हैं, हमारा भूत क्या स्टाइल देकर भाग गए। Oh, what a stylish laughter. I like it. Huh? चलो जी बीबी जी। ये है हमारी बेटी किरण। आप काफी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, जरा आराम कर लीजिए। जी हम भागते भागते बेटा, आई मीन भूतों को भगाते भगाते, I'm very tired. See you in the evening. Bye bye. Oh, yeah. बड़ा स्टाइल स्टाइल करता है, समझता है मैं इससे शादी कर लूंगी। इससे तो शादी करेगा मेरा ठेंगा। बीबी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बजरंगी भांग पीकर अंग्रेजी बोल रहा है। बीबी जी, ये स्टाइल क्या होता है? ठाकुर साहब, you know, I was born with a golden spoon in my mouth. इसका मतलब ये नहीं कि पैदा होते वक्त मेरे मुंह में सोने का चम्मच था, no. But when my father died, मरते वक्त उन्होंने मेरे नाम 40 जागीरें कर दी। इसलिए मैं जिंदगी में जो कुछ भी करता हूँ स्टाइल से करता हूँ। you know, I'm a stylish man, yeah. पता है। अब देखिए, मेरे पास 7 बंगलों का मैं मालिक हूँ, 7 बैंकों में मेरा अकाउंट है, 7 डिफरेंट रंग की मेरे पास कारें हैं, और 7 साल में लंदन में रहा हूँ। जानते हैं क्यों? Because 7 is my bloody lucky number. That's why whatever I do on 7. इसलिए मेरी शादी साल के 7वें महीने 7 तारीख को सुबह 7 बजे होगी।
Do you like my style? अच्छा पियो पियो। अरे देखिए ये मेरी सातवीं ड्रिंक है। अरे वाह ठाकुर साहब मानना पड़ेगा आपका भी ड्रिंकिंग स्टाइल बड़ा इंग्लिश है। मैं तो हमेशा इंग्लिश पीता हूँ। In fact, whatever I do in English. I stand in English. I sit in English. I walk in English. I talk. Of course, I talk in English. I romance in English. I sing in English. I dance in English. I lie down in English. I fight in English. No, not in English. Not in English. Hello, towering inferno. Behind an adventure. Burn the dog without a friend. 1 minute, sir. Hello. You English? I English. Talk without telling. I am a very stylish man. ये भी अपना स्टाइल है दोस्त। You speak English? I tell you. Talk without you tell him. I am a very stylish man. माफ करना बीबी जी, ये सुमेर सिंह है ना, बड़े मालिक का बड़ा मुंह लगा लगता है। कैसी डिंगे हाँक रहा था। मेरी बात मानो बीबी जी, ये सूरज के साथ प्रेम की गलियों में भटकने के बजाय फौरन शादी के मैदान में कूद पड़ो। कहीं ऐसा ना हो सुमेर सिंह बारात लेकर आ जाए। बारात? हाय दया, मैं तो भूल गई, कल चंपा की बारात आने वाली है और आज रात बस्ती में उसका रथ जगा होगा। खूब नाच गाना होगा बीबी जी, बड़ा मजा आएगा। चलो ना, थोड़ा दिल बहल जाएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वैसे बस्ती में चंपा का घर सूरज के घर के सामने है बीबी जी। होगा बीबी जी, वो भी प्रेम रोगी, आप भी प्रेम रोगी। प्रेम रोगियों को बार बार सबके सामने अपने दिल का दर्द सुनाने के ऐसे मौके नहीं मिलते। चलोगी ना बीबी जी? चलूंगी। ओए होए, ये सब
जब कोई लड़का किसी लड़की के बाल बांध देता है तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये यहाँ की रीत है बीबी जी। जो ठाकुर की लड़की के साथ आंख मिचौली खेल रहा था ना, मैं सब देख रही थी। माँ तूने जो देखा वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो तू समझ रही है ना माँ वो भी सही है। माँ क्या? माँ मैं किरण से बहुत प्यार करता हूँ। माँ हम लोहारों की बस्ती से ठाकुर की हवेली बहुत दूर है बेटा। इस बस्ती में ठाकुर के घोड़ों की टापों की धूल तो आ सकती है, लेकिन वहां का कोई फूल यहां नहीं आ सकता। तेरा ये बेटा वो फूल लाएगा माँ। पर सूरज जरूर लाएगा माँ। सूरज क्या हो बेटे? मैं बोलू जी, माँ बेटे में कोई खटपट हुई लगती है। खटपट वटपट कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे बेटे का। हाँ, क्या किया उसने? अजी ठाकुर की बेटी से प्यार कर बैठा। ठाकुर की बेटी से? हाँ। समझा। मैं बोलू जी, शादी ब्याह बराबर वालों में होता है, कहाँ वो कहाँ हम, हमारा मिल कैसे हो सकता है? बिगड़ने से कोई फायदा नहीं जी, ये उम्र है ही प्यार करने की। कुछ समझी? तुम बाप बेटे को तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती, भगवान जाने क्या होने वाला है। समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। सोच मत, तू जिसके ख्याल को अपनी सोच की भट्टी में लाल कर रहा है ना, तेरी माँ ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। बेटा तू क्या वाकई ठाकुर की बेटी से प्यार करता है? हाँ। और वो भी तुझसे प्यार करती है? हाँ। और हम फैसला कर चुके हैं कि शादी करने का। हाँ बाबा। इस जमाने की ऊंच नीच की दीवारों ने और अमीरी गरीबी के फासलों ने अगर ये शादी ना होने दी तो बाबा हम दोनों अपनी जान दे देंगे। ओहो, मतलब दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। ठीक है, मैं कल ही हवेली जाकर तेरी किरण का हाथ तेरे लिए मांगूंगा। चल अब हंस दे। अरे हंस दे मेरी जान। शकदार रोग लगा होए होए, जोगन को जोग लगा होए होए। ओ मैं बोलूं जी, रोटी गरम कर लो बेटा, रे खाना खाने। आओ अर्जुन, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, इस हवेली की चौखट पर माथा टेक कर जब भी मैंने हाथ फैलाए हैं, आपने मुझे अपनी दया का दान जरूर दिया है। आपकी इसी महानता को देखकर आज भी मुझे विश्वास है कि मैं इस हवेली से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कहो क्या चाहिए? ठाकुर साहब, कभी कभार इंसान अपने भगवान से जो मांगना चाहता है वो अपनी जुबान से नहीं कह पाता। समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूं। ठाकुर साहब, मैं आज आपसे अपने बेटे की खुशियों का दान मांगने आया हूं। तुम्हारे बेटे की कौन सी ऐसी खुशी है जो हमसे मांगने आए हो?
ठाकुर साहब, मैं अपने बेटे सूरज के लिए आपकी बेटी किरण का हाथ मांगने आया हूं। ठाकुर, बहुत ऊंचा बोल दिया तुमने, बहुत ऊंचा। आज तूने ठाकुर घराने की गैरत के मुंह पर तमाचा मारा है। परसों तूने इस चौखट पर सर झुकाया है, वरना इस सवाल के जवाब में आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। दौलत की लालच में तू ठाकुर खानदान की बराबरी के ख्वाब देख रहा है। ठाकुर साहब, मैंने ये मांग किसी लालच में आकर नहीं की, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इससे पहले कि तेरी लाश यहां से उठे, दबा हो जा। ठाकुर साहब, उन दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांध दीजिए। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठाकुर साहब, वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठाकुर साहब, नीचे आओ। वो मामूली सा लोहार हमारे सामने चिल्ला चिल्ला कर जिस बात का दावा कर रहा था, क्या वो बात सच है? क्या तुम उस लड़के से? ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी जी तो आता है किसका गला घोंट डालूं। आज इसकी वजह से रुकमणी, आज के बाद इसने घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किरण बेटे, मेरी बात तो सुन। किरण, बाबूजी, ये क्या हुआ बाबूजी? जान मेरी, हो सके तो किरण को भूल जाओ। बाबूजी, जवाब का जवाब देने जो बाबूजी हवेली से अपने माथे पर लिखवा कर लाए। वो जवाब किसी मजबूर बाप को एक मगरूर बाप ने दिया है सूरज। और तुम्हारा जवाब क्या है किरण? जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ।
मदरा की बरसात हुई या मदरा की बरसात हुई मौसम बिगड़ा बे लगता है मुझे भी चढ़िया नशा बे ओए माहिया बुझा दे जान की दुश्मन बनी हुई है सूरज के साथ तेरा ब्याह कैसे हो सकता है मैंने फैसला कर लिया है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सूरज से देखो ना मैं ये रिश्ता जोड़ आई हूँ तुम रिश्ता जोड़ कर आई हो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे क्या करें जला देंगे हम इस कसम को जिसका तुम वास्ता लेकर आई हो हाँ सूरज बेटा खड़ी हो गई ना ऊंच नीच की दीवार महल की ऊंचाइयों ने ठोकर मार दी ना तेरे प्यार को माँ नहीं बेटा नहीं उसे भूल जा मेरे बच्चे नहीं भूल जा नहीं। चुप हो जा हुआ सो हुआ मत रो मेरे दिल चुप हो जा हुआ सो हुआ वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है तेरे साथ भी है यार मेरे वही तो हुआ चुप हो जा हुआ सो हुआ
चुप हो जा तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण,
किरण तुमको छुपा रही हो। नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ। बताओ किरण, बताओ, तुम्हें मेरी कसम। इतनी बड़ी सजा। ठाकुर! नहीं सूरज, नहीं, इस वक्त तुम कुछ नहीं करोगे। उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया और तुम मुझे रोक रही हो, क्यों किरण, क्यों? प्यार करने वालों के सबर का इम्तिहान लेना इस जमाने का पुराना दस्तूर है सूरज। तुम मेरे साथ हो तो मैं जमाने के हर इम्तिहान से टकरा जाऊंगा किरण। मुझे अपने प्यार पर नाज है सूरज, अगर उन लोगों ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। किरण मैं? चले जाओ सूरज, चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम। देखो ना, मैं शादी से पहले विधवा नहीं होना चाहती, नहीं होना चाहती। किरण, किरण, नहीं होना चाहती। सूरज तुम चले जाओ, चले जाओ सूरज। हाँ। देखो ना, नारी की आवाज में नहीं, नारी के गले से बोल रहा हूँ। मगर आप है कहाँ? मूर्ख, हम तेरे सामने हैं। पर नजर क्यों नहीं आ रहे हो? हम नजर आएंगे, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है प्रभु? तुम्हें विवाह करना होगा धन्नों से। हाँ, वो कन्या तुमसे प्रेम करती है। किसी कुंवारी कन्या का प्रेम ठुकराना महापाप होता है। मगर प्रभु, आप जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। जानता हूँ, परंतु कल रात सपने में तुमने धन्नो के साथ विवाह किया था। मैंने विवाह नहीं किया प्रभु। तुमने विवाह किया था। अब तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा, उस लड़की से विवाह करना पड़ेगा। मगर प्रभु, ये हमारा आदेश है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। हाय भैया, बलवंत, सुमेर सिंह के यहाँ संदेशा भेजो कि वो जल्द से जल्द शगुन लेकर यहाँ आ जाए। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो, मेरी तरफ से बेटी के ब्याह पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। उसकी शादी आपके साथ हो रही है और आप ही। जी हाँ, अभी तो मैं आपको एक ठाकुर की हैसियत से मुबारकबाद दे रहा हूँ, उसके बाद आपके दामाद की हैसियत से आपसे आशीर्वाद दूंगा। ये भी मेरा एक स्टाइल है। कैसा है? अच्छा है। शादी का शगुन। आप सोच रहे होंगे कि शगुन लाने वाले बड़े बड़ी मूछों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ी वाले, बड़ी बड़ी उम्र वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस पुरानी रस्म को अपने स्टाइल से अदा कर रहा हूँ। You see, I'm a stylish man. Your Honor. Thank you. रुक्मणी, आप ये गहने किरण के पास ले जाइए और उसे तैयार कीजिएगा। Hello, ma'am. How sweet, my mother-in-law. Father-in-law. अरे ठकराई ना आगे, चलो चलो चलो। मैं ये शादी नहीं करूंगी माँ। देखो ना, तुम ये शगुन के गहने नहीं, मेरी मौत का सामान लाई हो। ऐसा न बोल बेटी, ऐसा न बोल। इस माँ की मजबूरी को तो समझ,
मैं तेरी माँ होने के साथ साथ इस ठाकुर खानदान की बहू भी हूँ। रीति रिवाज की जेल में बंद इन मगरूर लोगों के सामने तेरे मासूम प्यार की कोई अहमियत नहीं बेटी, कोई अहमियत नहीं। अगर तुम इन बंधनों के आगे मजबूर हो माँ, तो मैं भी अपने दिल के आगे मजबूर हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं माँ, मान जा ना, ये शगुन के गहने पहन ले। नहीं, जिद न कर बेटी, तूने मना कर दिया तो गुस्से में आकर तेरे पिताजी पता नहीं क्या कर बैठेंगे। मान जा मेरी बच्ची, मान जा। नहीं माँ, मान जा मेरी बच्ची, नहीं। खून का सबूत दे ही दिया। कहां है वो, कहां है हमारी बेटी? आपकी बेटी मेरे घर नहीं आई ठाकुर। बता कहां छुपा रखा है उसे? किरण यहां नहीं आई, और आएगी भी तो चोरी छुपे नहीं। इज्जत से उसे अपनी बहू बना कर लाऊंगा। जिंदा गाड़ देंगे हम तुझे, मरने से पहले बता दे कहां भगाया उन दोनों को। मैंने नहीं, तूने भगाया है ठाकुर। तेरी जिद ने भगाया है, तेरे अहंकार ने भगाया है। प्यार के आसमान में उड़ने वाले पंछियों के पर काटने चाहे थे ना तूने? पंछी तो उड़ गए ठाकुर, उनके प्यार के आगे तू हार गया ठाकुर, तू हार गया, तू हार गया ठाकुर। अर्जुन हमसे टकराने और हमारी इज्जत से खेलने की सजा है ये। आज अपने पति की लाश पर रो रही है, कल बेटे की लाश पर आंसू बहाएगी। जीत नहीं सकते।
देखना, जीत होगी ठाकुर, जीत होगी मेरे बच्चों की। समय को ऐसी घटना घटी है जो हमारे विनाश का कारण बन सकती है, हमारे भाग्य को भंग कर सकती है। और वो घटना है उन दो प्रेमियों का मिलन, जिसको वर्षों पहले हमने अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मारा था। और फिर से मिलन की प्यासी रूहें अपनी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। जाओ उत्तरी दिशा में जाकर उन दो प्रेमियों को बीन के सुरों में बांध कर ले आओ। जाओ। ये कौन सी जगह पर ले आओ तुम हमें? बोलो, जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते? बोलो कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तो तुम जान ही जाओगे, लेकिन मुझे पहचानने से पहले ये जान लो कि तुम कौन हो। हमारा परिचय ये है कि हम एक योगी राज हैं,
और तुम्हारा परिचय यह है कि तुम एक नाग हो और तुम्हारी प्रेमिका एक नागिन। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंसानी रूप धारण किया है तुमने, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। देख देवी कौन आया है, देख, यही है ना वो नाग का जोड़ा जिसने 20 साल पहले अपने मिलन से मेरे यज्ञ को भंग किया था, और उसी रात मैंने उन दोनों की हत्या कर दी थी, याद है? और फिर से अधूरे मिलन की प्यास बुझाने ये आत्माएं इंसानी रूप में दोबारा जन्म लेकर आई है। एक बार फिर से तुम्हारे मिलन ने मेरे जीवन के लक्ष्य को जख्मी किया है, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ये तेरी भूल है योगीराज, तेरी शक्ति का घमंड ही तेरा सर्वनाश करेगा। हमारा मिलन होके रहेगा असंभव। मेरी मौत, मेरा विनाश सिर्फ मेरी मुट्ठी में है। कल मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाऊंगा, तब देवी के गले में पड़ी हुई खोपड़ियों के बीच तुम दोनों के सर भी नजर आएंगे। Oh,
आ जाओ उस्ताद जी, आ जाओ। अरे ओ छोरा नीचे नहीं उतर। अरे ओ आशिक नीचे नहीं उतर। अरे नीचे ना, नीचे ना। रास्ते में बड़ा इश्क कर लिया छोरी के साथ, क्यों? अब यह चमकती छोरी मेरे हवाले कर दे। इतना जोश ठीक नहीं पहन दे टके। बलदेव सिंह के ढाबे पर इज्जत लूटी नहीं जाती, इज्जत बख्शी जाती है। क्या होता है इज्जत बख्शी जाती है, बख्शी जाती है। अब इज्जत का भलूदा कैसे बनता है इसका एक नमूना पेश करता हूँ। ओए तेरी क्यों जी पहलवान, आई बात समझ में? पापा जी मैंने माफ कर दो पापा जी। ओए पापा जी से माफी नहीं मांगनी यार, बहन जी से माफी मांगनी है। कहो बहन जी मेरे को माफ कर दो जी। बहन जी मैंने माफ कर दो बहन जी। बहन जी ने माफ कर दिया। मैंने माफ कर दो बहन जी। हाँ जी बहन जी ने माफ कर दिया और तेरे को खाना भी खाना है। एक दो तीन लात लगी जी। ओए तुम जी वो आप, आपकी शक्ल। ओए आशिक मशहूर की जोड़ी लगती है, घर वाले शादी के लिए राजी हुए नहीं इसलिए भाग निकले, वो भी रात में है कि नहीं जी वो आप। अब जाना किधर है मालूम नहीं, फंस गए ट्रक वाले के चक्कर में है कि नहीं जी वो। मेरी बात खाना खाना चाहते हैं, भूख लगी हुई है और खाने के बगैर तो भजन नहीं हो सकता, तो इसको क्या खाक करोगे? अंदर जाओ और आलू के पराठे खाओ और तड़के वाली दाल खाओ यार। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो, ओए लेकिन क्या यार? लेकिन वो आपकी शक्ल सुमेर सिंह से मिलती है। किससे मिलती है? वो सुमेर सिंह। ओए सुमेर सिंह कौन यार? लेकिन लेकिन क्या? लेकिन यार लेकिन वो आपकी शक्ल बजरंगी से भी मिलती है। बजरंगी? मेरा मतलब बजरंगी। कौन बजरंगी यार? बजरंगी वही मेरा दोस्त, बाल ब्रह्मचारी है बेचारा। ओए फिर तो मेरी शक्ल उससे बिल्कुल नहीं मिल सकती, मेरे 6 बच्चे हैं पुत्र। और बीवी? ये क्या हुआ? वो क्या है ना कि जब कोई मेरी बीवी के बारे में बात करता है ना तो मेरी शक्ल बिगड़ जाती है। ओए देखो ना मेरी शक्ल बजरंगी से मिलती है और ना किसी सुमेर सिंह से मिलती है। तुम लोग अंदर जाओ रोटी छोटी खाओ, जाओ मेरे बच्चों जाओ। चलो जा जा, ओए जा जा बच्चे। कितने चंगे बच्चे हैं। वो क्या है ना मेरी गुलाबों से शादी भी ऐसे ही हालात में हुई थी। कोई अब तो ठीक हो जाए यार। ओ यार और तेरी भैन दी माई। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वालों को मिट्टी में मिला दो, जाओ ढूंढ कर लाओ जिंदा या मुर्दा। देखो ना हमारा प्यार हमें कहां से कहां ले आया, घर छोड़ा बस्ती छोड़ी। यूं कहो ना प्यार की नई दुनिया ही बसा ली हमने। ए, ये क्या कर रहे हो? इस दिल से बहुत प्यार कर लिया किरण, आज इन होठों से प्यार कर लेने। नहीं छोड़ो भी, सच कहे किसी ने गोरी सूरत वाले दिल के काले होते। ए, मेम साहब इसी गोरे पे तो दिल लट्टू हुआ था आपका। आहा, लट्टू नहीं जनाब, लूट लिया था आपने, वरना मेरे दिल का राजकुमार तो वो काला था। क्या क्या कहा? काला? काला था तो क्या हुआ, था तो दिल वाला। काला है, काला काला शाह, काला काला शाह, काला है वो काला। तेरे काले की तो मैं काले की बच्ची भाती का तू उससे काला शाह काला। Oh
और जब दिन की हो गई भैया चाय। कमाल है हमारे ढाबे पे हमको चाय पिलाने वाले आ गए। वाह जी वाह। ओए होए वाह वाह। भैया वो लोग हमें ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। तू घबराना, तू अंदर चल, मैं इनसे निपटता हूँ। जा बता जा। सुनो आओ जी आओ जी, बोलो आप की खाओगे तो घोड़िया नु की खिलाओगे। आओ जी वाह जी वाह। गबरू जवान, तुमने यार घर से भागे किसी लड़के लड़की को देखा है? ले, वो देखा है नहीं यार, देखा था, छुपते छुपाते आ गए थे मेरे ढाबे में, वो भी रात में। कहाँ है वो? ले, कोई सेटल होने थोड़े आए थे, आए और चले गए, वो भी रात में। बड़ी खूबसूरत पायल है, किसकी है? लो जी, मेरे को क्या पता किसकी है, किसी की भी हो सकती है। हो सकता है उस लड़की की हो जो चली गई यहाँ से रात में। अरे किधर जाता है तू? जहाँ तूने उनको छुपा रखा तो अरे छुपाया तो बचाऊंगा भी मैं यार। ओए अरे जाओ जा, पीछे जान देनी तुझी मैनू। तू भुर्जी खाएगा या ब्रेड खाएगा? और तू आप ही डिसाइड कर ले प्रभा। ये ले यार। बलदेव ढाबे वाले से मरेगा तू, हूं तू तुरंत से लेटेस्ट। ओए तू देख तू देख पीढ़ियां कोई नहीं मारो। ओए तू भागिया भागिया, इस लड़की को लेकर इनसे मैं निपटता हूं। हां जी वाह जी वाह। अरे हट हट अपनी छड़ूंगा जी। लो जी तो जा हरिया हरिया। आओ बिजली के खंभो, आओ आओ आग से खेलना है तो आओ। तंदूरी चिकन की दाब भून के रख दूंगा। वो बलदेव सिंह नाम है मेरा, बलदेव सिंह। आज एक बात बोलूं, शादी के जोड़े में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि तुम्हारे एक एक अंग को अपने प्यार के जेवर से सजा दूं, दुल्हन की तरह। दुल्हन का सबसे बड़ा जेवर उसकी मांग का सिंदूर होता है, और देखो ना वही नहीं है मेरे पास। Thank you.
क्या हो गया किरण? किरण, किरण, ये सब किरण, किरण, किरण। कैसे बाप है आप? अपनी औलाद की आपको जरा भी फिक्र नहीं? जवान बेटी कहाँ है, किस हाल में है, कभी सोचा है आपने? और डर के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। लगता है हमारी बेटी किसी मुसीबत का शिकार बन गई है। मुझे मेरी बेटी ला दीजिए। उसने घर से भागकर हमारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। वो हमारे लिए मर चुकी है और हम उसके लिए। माँ बाप का रिश्ता औलाद के साथ मर कर भी नहीं टूटता। आपने सारी जिंदगी एक ठाकुर बनकर सोचा है, आज एक बाप बनकर तो सोचिए। माँ की ममता आपके सामने हाथ जोड़ रही है, मुझे मेरी बेटी ला दीजिए। उसने घर से भाग कर एक बाप को बेइज्जत किया है, ठाकुर घराने को बेइज्जत किया है। हम जिंदगी पर मौत का घाव बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर घराने के माथे पर बदनामी का दाग कैसे बर्दाश्त करें? कैसे? किरण, किरण, दोनों कितनी भी दूर जाए, लेकिन इस धरती पर फैले मेरी शक्ति के चक्रव्यूह से उन दोनों का बचना बिल्कुल असंभव है। वो दोनों मौत के शिकंजे से तो बच निकले, लेकिन मेरे श्राप से नहीं बच सकते। हर सुबह को उभरते हुए सूरज की चमक उस सूरज को नाग बनाएगी, और हर शाम को डूबते हुए सूरज की किरणें उस किरण को नागिन। दोनों साथ साथ रहते हुए भी मिलन की आस में तड़पते रहेंगे, बिरहा की अग्नि में जलते रहेंगे। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात तक उनको यही जीवन बिताना होगा, और वो रात मेरे महायज्ञ की रात होगी। उस रात मैं उन दोनों की बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, हमेशा के लिए। तेरा ये जुल्म मुझे किरण से जुदा नहीं कर सकता। किरण मेरी है, हर एक जन्म में मेरी है। मैं किरण से प्यार करता हूं। हां, मैं किरण से प्यार करता हूं। मैं किरण से सूरज मेरा है, हर जन्म में मेरा। मैं सूरज से प्यार करती हूं, सुनते हो? मैं सूरज से प्यार करती हूं, मैं सूरज से प्यार करती हूं। देखो ना, देखते क्यों नहीं? देखो, आग लगे जल जाए दुनिया, कुछ भी नजर न आए। होके जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए। कसम से Oh,
कसम से कसम से हो रब्बा कसम से कसम से कसम से हो रब्बा कसम से अपना जुदाई अपना से बचाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाए। मैं कुश्ती करना चाहता हूँ। मैं तारा सिंह बनना चाहता हूँ। गुड नाइट। बजरंग बली तंग मत करो। बजरंगी बचाओ। मेरी सब हमला तू क्या कर रही है? मुझे चल मुझे छूने की जरूरत नहीं है। मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सो इतनी बेदर्दी से बाहर निकलने को मत बोल रहे। तू किस पहाड़ का पत्थर है? पिघलता ही नहीं। मैं हिमालय पर्वत का बना हूँ। मैं माउंट एवरेस्ट हूँ। लेकिन तू भी मोम की नहीं बनी। कभी अपनी मालकिन के बारे में सोचा है कि वो कहाँ है, कैसी है? तुझे अपने दोस्त की इतनी चिंता है तो यहाँ बैठकर क्या होगा? जा, जाकर उसे कहीं ढूंढ।
कर लाऊंगा। क्या बजरंग भाई? ओ यार दलजीत, क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है। और मेरे दादा के 18 बच्चे। अच्छा। हाँ। और मेरे फादर के 10 बच्चे। और तेरे? ओ मेरा क्या है, मेरे तो क्या हुआ बोलते हो? कोई दलजीत, लगता है तूफान आने वाला है। तूफान? हाँ, वो जब मेरी बीवी कहीं आड़े द्वाड़े होती है ना, तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता है, और जब ये टेढ़ा मुंह करके ठोलना, ओ पप, ओ चीना, ओ मिड्डा, ओ बबलू, ओ बेटी, ओ एक गुलाब। क्यों जी, मुझे देख के पलट क्यों गए? ओ मैं किधर पलट गया भगवान, वो तो मेरी गर्दन पलट गई थी। पर ऐ दस, ए पलटन लेकर यहाँ क्यों आ गई तू? 6 महीने तुझे कार नहीं आए, इंतजार कर दे कर दे, मैं ते तंग आ गई और मैं इतनी चली आई, और तुझे कहने मैं क्यों आई है? आपको तो अपनी टापे की फिक्र है, मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। ओ फिक्र तो है यार, फिक्र तो बहुत है, पर क्या है ना, जब भी तेरी फिक्र करता हूँ तो हिंदुस्तान की आबादी बढ़ जाती है। 6 साल में 6 बच्चे। 6 नहीं, 7। ओए क्या बात कर रही है तू, एक तैनी भाई, चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो, नहीं तो लोग सोचेंगे बल्ले सिंह ने ढाबा नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी का स्कूल खोल रखा है। चलो जी अंदर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7.5 बाकी गल्ला, बाकी गल्ला रात को। तो यार उधर खेलो पुत्र, उधर खेलो। मेरे पिया कई रंगून किया है, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे भाई हुण की हो गया यार, बड़ा बो, ओए हुण की हो गया यार। दसो जी दसो कि तू छुपाए उन्नू। ओए क्यों यार, किनू एनू एनू, ओए होए, 6 बच्चों दे पाप होने दे बाद तुसी इतना वड्डा पाप कर दियो। आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, मैं तभी समझू 6 महीने तुसी घर क्यों नहीं आंदे हो, कितने छुपाए उन्नू। ओए यार ये तो भाग गई। अच्छा क्या? हाँ एक लड़के के साथ आई थी, वो भी रात को, तो मैंने उसकी मदद की, सुबह दोनों चले गए। दैट इज ऑल यार। झूठ, एक गाल याद रखो, मैं तुहानू भी ना छड़ंगी और उसनू भी नहीं। दसो कितने है मेरी सौत, कितने है? ओ गुलाबो क्यों शक की आग में जली जा रही है, वो तुम्हारी सौत नहीं है। वो मेरी सौत? अरे छोड़ो यार, जब से देख रहा हूँ चीखती जा रही है, मेरी शराबत में शक करती है, ये बच्चों की बाप भी शक करती है, अपने पति भी शक करती है, फिर क्या फायदा साथ रहने का। जी मैं जा रहा हूँ। देख लेना तू भी क्या याद रखेगी कि किस पति से पड़ा पड़ा था। मैं जा रहा हूँ यार। ओ मैं आखिरी बार कहता हूँ, मुझे रोक ले, वरना हर रात को ढूंढती फिरेगी ढाबे में, वो भी रात में। अरे भाभी क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों? चुप, पत्नी पत्नी होती है और वो होती है, हाथी घूमे गाँव गाँव, जी का हाथी ऊ का नाव, वापस तुझे मेरे पास आना होगा। सुनिए, एक लड़का और लड़की घर से भाग गए, आपने उनको देखा? रब्बा नहीं, मेरा नाम रब्बा नहीं है, मेरा नाम बजरंगी है। हे भगवान, कैसा नौटंकी बाज पति दिया तूने मुझे। ये आप क्या कह रही हैं, मैं किसी का पति नहीं हूँ। भेष के साथ साथ आवाज भी बदल ली, तू मेरा पति नहीं तो उस चुड़ैल का पति है। ये मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी चुड़ैल का भी पति नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बाल ब्रह्मचारी हूँ। 6 बच्चे पैदा करने के बाद अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता है। 6 बच्चे? 6 नहीं, 7। 7 बच्चे? क्या जी, क्या हो गया है? अरे उठो जी, क्या हो गया है? अरे उठो जी, हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे। तुसी टावा नहीं, कोई नौटंकी कंपनी चलांदे हो। दसो ए भेष बदल कर कित्थों आए हो जी? अब मैं क्या दसूं, आपकी बातें सुनकर तो मेरी बोलती बंद हो गई है, अब तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या लेने आया। बच्चियों बच्चियों, तुम्हारा पियो। मेरे पुत्र आओ जी, मैं इनका प्यार। आओ जी। ओए ओए 6 बच्चों की माँ है तू, कुछ तो शर्म कर, अब ढेले फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? आ गया मैं वापस।
कौन है यार? ओए, ओए कौन है तू? हाँ, ये मेरे थोबड़े की क्या आड़ बना दिया तूने? हाँ, ये आपका नहीं है, मेरा अपना थोबड़ा है। बजरंग बली की कृपा से आपसे मिलता जुलता है। मगर भाई तुम हो कौन? मैं बजरंगी, किस्मत का मारा अपने दोस्त सूरज की तलाश में आया हूँ। ओए सूरज? हाँ। ओए तुम सूरज के दोस्त हो? हाँ। आप उसे जानते हैं? हाँ जानते हैं यार। मुझे मेरे दोस्त सूरज से मिलवा दीजिए ना। ओए मिलवा देंगे, तुम्हें तुम्हारा दोस्त सूरज कहाँ मिल सकता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं कितने किस्मत वाले हैं हम। देखो ना, लोगों को एक जन्म में सिर्फ एक रूप मिलता है, लेकिन हमें एक जन्म में दो दो रूप मिले हैं, है ना? हमारे रूप बदल गए तो क्या हुआ, हमारी आत्माएं तो अब भी एक है ना। हम हर जन्म में हर रूप में प्यार करते रहेंगे। तुम मुझे आवाज देते रहना और मैं तुम्हारी हर आवाज से आवाज मिलाती रहूंगी, है ना?
पुराना जाने न जाने जमाना मिल नहीं सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकता, मैं इतनी दूर से उसे ढूंढता आ रहा हूँ। कहाँ वो? सूरज, सूरज। तुम रो क्यों रही हो? जानना चाहते हो? एक नाग के रूप में है तुम्हारा दोस्त। सूरज, हर दिन का उजाला इसे नाग बनाता है और हर रात का अंधेरा मुझे नागिन। हाँ भैया, ये एक श्राप है हम दोनों पर। नहीं, ये ना इंसाफी है ऊपर वाले की। तो प्यार करने वाले दिलों का इतना बड़ा इम्तिहान। नहीं, ये पूछ रहा है कि माँ कैसी है। वो दुखियारी हर पल अपने सूरज को याद करती रहती है। उस विधवा माँ के जीने की बस यही एक आस है। विधवा? हाँ, तुम लोग बस्ती छोड़कर गए, उधर सूरज के पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। एक बार अपनी माँ से मिलने आजा मेरे दोस्त, बस एक बार। सूरज अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा, लेकिन सूरज ढलने के बाद। सूरज, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा आ गया, मेरे सूरज आ गया। मैं तो जानती थी बेटा कि तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं जानती थी तू। हाँ बेटा, मुझे यकीन था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। देख तो घर कैसा उजड़ गया है, कैसा बर्बाद लगता है। न तो तेरे पापा के गुनगुनाने की आवाज आती है, न तेरे हथौड़े की ठन ठन। मैं बोलू जी, मैं देखो हमारा बेटा आ गया, हमारा सूरज। देखो बाँ, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है बाँ? पगले, माँ की चिंता करता है रे। तू डर मत, मैं जिंदा हूं ना, मैं तेरी शादी किरण के साथ धूमधाम से करूंगी। अच्छा बता दो, कहाँ छुपा के रखा है मेरी बहू को?
उसे ले आऊंगा माँ, तेरी बहू को बहुत जल्द तेरे पास ले आऊंगा। अब मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है माँ। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेटा, नहीं। मुझे मत रोक माँ, मुझे जाना होगा, मैं मजबूर हूँ। कौन सी मजबूरी है बता, कौन सी मजबूरी है? तुझे नहीं बता सकता माँ, नहीं बता सकता। ये क्या हुआ बेटा तुझे? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। क्या हो रहा है तुझे? कुछ नहीं माँ, क्या हो रहा है? मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे मत रोक माँ, मुझे मत रोक, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। इस दुनिया का मालिक है ना, विधाता है ना तू, तकदीरें लिखता है ना सबकी, मगर ये कैसी तकदीर लिख दी तूने मेरी, कितना बेबस कर दिया है तूने मुझे। जिस मां ने अपनी कोख से मुझे जन्म दिया, वो आज मुझे बुलाती रही, और मैं बता बता एक नाग बनकर उसका सामना कैसे करता, मैं बोल कैसे करता। मुझे श्राप से मुक्ति दे दे भगवान, मुझे श्राप से मुक्ति दे दे, मुझे श्राप से मुक्ति दे दे भगवान, मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे। असंभव, उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उनकी मुक्ति में मेरा विनाश है, विनाश। उनके मिलन को मैंने असंभव बना दिया है, बस शरद पूर्णिमा की रोशनी में आने से उनको रोकना होगा, क्योंकि वो रात मेरे विजय की रात होगी। कठिन से कठिन परीक्षा ले ले, मगर मेरा प्यार मुझे लौटा दे, मेरा प्यार मुझे लौटा दे भगवान। आखिर आखिर कब तक बिताना होगा ये जीवन, कब होगा हमारा मिलन भगवान, कब होगा? जय भोलेनाथ। ये रूप भी बदलेगा और मिलन भी होगा, समय और भाग्य के मिलन पर ही जीवन के परिवर्तन का आधार है, और इस परिवर्तन की घड़ी आ गई है। कल शरद पूर्णिमा की रात है, कल की रात आकाश पर सूर्य और चंद्रमा 7 पल के लिए एक दूसरे के सामने आएंगे। उन दोनों की रोशनियों के टकराने से एक प्रकाश फूटेगा। 7 पल रहने वाली यही रोशनी तुम्हारे जीवन का अंधेरा दूर करेगी। उस रोशनी में तुम दोनों का मिलन हो तो ही इस श्राप से मुक्ति है तुम्हारी। शिव की शक्ति पर भरोसा रख, भरोसा रख शिव की शक्ति पर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय।
करारी जवानी है जालिम की। देखो रानी, अगर हम तुम्हें हवेली वापस जिंदा ले गए तो तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। इसलिए अपनी जान लुटाने से पहले अपनी ये जवानी हम पे लुटा दो। नहीं। क्यों? नहीं। काटा या छापा? छापा। काटा। मालकिन मालकिन नहीं, नागिन है, नागिन। क्या बक रहे हो? होश में तो? मैं सच कह रहा हूं ठाकुर साहब, अगर झूठ हो तो आप मेरी जान ले लीजिएगा। एक जगह तो हमने छोटी मालकिन को पकड़ भी लिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ चलने से इनकार कर दिया। शिवा ने जबरदस्ती की तो अचानक छोटी मालकिन नागिन बन गई और उसने शिवा को ढस लिया। शिवा वही मर गया ठाकुर साहब, लेकिन मैं वहां से भाग निकला सर ठाकुर साहब। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, समझे? चलो हमारे साथ। चलिए ठाकुर साहब। किरण, वो देखिए ठाकुर साहब। चलो
वरना मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगी। जिंदा तो हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, चल चल घर चल। नहीं बाबूजी, मैं कहता हूँ फेंक दे सांप को। ये सांप नहीं बाबूजी, ये मेरा सूरज है। तुझे इस जहरीले सांप में भी सूरज दिखाई देगा? छोड़ दो बाबूजी। पागल हो गई है, फेंक दे से। सूरज बेटी, किरण, किरण कहाँ है? आप तो उसे साथ लेकर आने वाले थे ना? आप खामोश क्यों हैं? किरण ठीक तो है ना? हमारी बेटी को मेरे कर्मों का अभिशाप मिला है। रुक्मणी, मेरे कर्मों का अभिशाप मिला है। यही है हमारी बेटी किरण। मेरी बच्ची, भगवान। मैं आ रहा हूं ठाकुर, उस नागिन को लेने। अब वो हवेली में नहीं, मेरे यज्ञ स्थल में रहेगी, जहां पर शरद पूर्णिमा की रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुंच सकती। और मैं जानता हूं कि उसका प्रेमी उसको लेने यहां पर जरूर आएगा, लेकिन उसको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। मुझ तक पहुंचने से पहले उसको इन पहाड़ों से टकराना होगा। और अगर वो यहां तक आ भी गया तो भी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान मुझ में नहीं, इनमें है। तूने इस हवेली की चार दीवारें को पिटारा बनाकर हमारी एक नागिन को कैद कर रखा है। नागिन हम लेने आए हैं। वो नागिन नहीं, हमारी बेटी है। आंखें रखकर अंधे न बनो ठाकुर, वो तुम्हारी बेटी नहीं, नागिन है, और उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। उसको हमारे हवाले कर दो। आंख के अंधे हम नहीं, बल्कि तुम अकल के अंधे हो, जो एक पाप से उसकी बेटी की मौत मांग रहे हो। हमारी मासूम और भोली भाली बेटी को नागिन का रूप देने वाले तुम ही हो योगीराज, और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह तुम इसके लिए बख्शेगा नहीं। हमारे क्रोध को मत ललकारो ठाकुर, वो नागिन हमें दे दो। आज शरद पूर्णिमा है, हमारा महायज्ञ है। अगर आज उन दोनों का मिलन हो गया तो हमारा यज्ञ भंग हो जाएगा, और हम ये मिलन कभी नहीं होने देंगे। हम उसे विनाश की ऐसी अग्नि में भस्म करेंगे कि उनका फिर कभी किसी भी रूप में जन्म लेना असंभव हो जाएगा। हम आज उसको लेकर ही जाएंगे। आ,
ठकुराई माँ, ठकुराई माँ, ठकुराई माँ, सूरज, सूरज बेटा, तू आ गया। ये सब कैसे हो गया? तूने, तूने बहुत देर कर दी बेटा, बहुत देर कर दी। तेरी, तेरी किरण को। क्या हुआ किरण को? योगीराज। क्या? योगीराज। योगी? ले गया। योगीराज? योगी। ठकुराई माँ, ठकुराई माँ। योगीराज। Ah!
किरण, सूरज, किरण, सूरज, किरण, सूरज, सूरज, सजना Hello, what a style. I like it, huh? Hello? Rabba! No, no, Rabba nahi, Rabba nahi. Sumer Singh naam hai mera, you know. I'm a stylish man. फिर मिलेंगे। आई लाइक दिस स्टाइल, आफ्टर ऑल यही है आई विलन की रात।